स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडॉक्स, हमारे चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन का थर्ड लेक्चर। और लास्ट में हमने क्या देखा था वो सबसे पहले एक बार हम रिवाइज करेंगे, बाद में आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो आई होप सभी को दिख रहा होगा अच्छी तरह से चैप्टर नंबर 8 विच इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्या क्या देखा था हमने उसमें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व इन दैट चैप्टर इन लास्ट लेक्चर डेफिनेशन ऑफ और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले हम उसका रिविजन करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या और कौन सी डेफिनेशन देखी थी हमने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन और व्हाट वी डिस्कस, कौन सी डेफिनेशन हमने देखी थी। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन O2 इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो सामने क्या होगा रिडक्शन में? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। सेकेंड इज हाइड्रोजन, पॉइंट ऑफ व्यू हाइड्रोजन, रिमूवल हो जाएगा हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड सामने रिडक्शन में होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन एड हो तो उसको बोलते हैं उसका रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम H2+Cl2 लिख सकते हैं विच फॉर्म HCl, तो क्लोरीन हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो कर रहा है तो क्लोरीन का वहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी क्लोरीन का यहाँ पे रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अभी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन थी, इन जनरल हम लिखे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था वैसे ही, और हाइड्रोजन में प्रोपोजिटिव का फॉर्म में लेते हैं तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म में बोले तो? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके दिख रहा है ना सभी को? फोर्थ वन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जगह पे रिमूवल, जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था उसकी जगह पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, करेक्ट? हाइड्रोजन की जगह हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के फॉर्म में कोई भी हो सकता है बाद में, हाइड्रोजन की जगह पे ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की ट्राई करे। और सामने हो गया यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये चार डेफिनेशन हमने विद एग्जांपल देख लेंगे, रेडी? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फिफ्थ डेफिनेशन। अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना बच्चों, क्या है फिफ्थ डेफिनेशन? आई होप सभी को अच्छी तरह से दिख रहा होगा। देखो फिफ्थ डेफिनेशन इज अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और कैसे वर्क करता है? कभी कभी कोई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑक्सीजन या हाइड्रोजन तो मिलते ही नहीं है, मतलब ये दोनों बेसिक डेफिनेशन उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, बाद में रिएक्शंस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं तो इस तरह से होगी, लेकिन हाफ रिएक्शन के फॉर्म में दिए होंगे तो उसको आइडेंटिफाई करना आपको इस फोर्थ रूल से आना चाहिए अच्छी तरह से, राइट? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्सीडेशन क्या है। सो ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा लिखे तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एलिमेंट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास हो ग्रुप नंबर वन एंड ग्रुप नंबर टू के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर वन एंड ग्रुप नंबर टू के एलिमेंट्स जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को वो इजीली लूज करेंगे। हमें क्या करवाना है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होने चाहिए। सो अगर हम बात करें पहले सोडियम की, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 और या फिर हमने लिखा था नियॉन 3s1, तो उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस वो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा और सोडियम प्लस वन फॉर्म करेगा। ये जनरल रिएक्शन हम छोटे से तब से पढ़ते आ रहे हैं अच्छी तरह से। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये आपको ऑब्जर्व करना है। मैग्नेशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम ऑब्जर्व करें तो नियोन 3s2 है, मतलब वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको अगर नियोन जैसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन करनी हो तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर चार्ज होगा +2। सिमिलरली आपके पास अगर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स टोटल 3 हो गए, नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s2 3p1, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एल्यूमिनियम +3 फॉर्म होगा। तो इन सभी रिएक्शंस में ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो पर्टिकुलरली उस एलिमेंट का क्या हो रहा है, हर बार ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर, सो ये हो गई रिएक्शन ऑक्सीडेशन की। सामने अगर आपको पूछा वो रिडक्शन के बारे में तो क्या करना है, देखो अच्छी तरह से। ऑक्सीडेशन की जगह अगर रिडक्शन का पूछा हो तो आ रहा है ना ऑक्सीजन, ओके चलो ऑक्सीडेशन की जगह पे रिडक्शन, बहुत इजी। यहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐड होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अब किसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं इजीली, तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ऐड होते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स आपको कहां पे मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल में जो आप 10th में पढ़ चुके हो उसमें पी ब्लॉक में मिलेंगे, मतलब ग्रुप नंबर अगर आप स्टार्ट करो 14 15 16 17 वो सब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। जैसे जैसे आप एंड तक जाओगे ग्रुप नंबर 18 तक, ऐसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। तो रिएक्शंस उसके इस तरह से हो गए, फॉर एग्जांपल चूज करते हैं फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5। ऑक्टेट कंप्लीट करना उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो फॉर्म होगा नाइट्राइड N-3। सिमिलरली अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो 1s2 2s2 एंड 2p5, टोटल वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स कितने, 7। ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो सिर्फ एक ही रिक्वायर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F-1 फ्लोराइड बोलते हैं इसको। सिमिलरली ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 एंड 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी 2p4 4 प्लस 2 6 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, सो O-2। तो इन सभी रिएक्शंस में क्या हो रहा है अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, सभी रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे, तो ये हो गए एग्जांपल रिडक्शन के। अब ये प्रोसेस सेपरेटली कभी नहीं होगी, ऑब्जर्व करो अच्छी तरह से। चलो यहाँ तक नोट डाउन करो पहले,
These are the definition of oxidation and reduction in terms of electron. अब यहाँ पे अगर हम observe करें, ये reactions कभी भी separate नहीं होंगे, half reactions, इसको half reaction बोलते हैं. These are the only oxidation reaction. और ये reaction कौन से only reduction reaction. ये दोनों always combined में coupling में चलते हैं. कैसे? देखो for example, if you observe reaction between sodium and chlorine, Na plus Cl2 gives NaCl multiplied by 2 multiplied by 2 balance करने के लिए. अब ये reaction हमें दिख रही है वो पूरी reaction है, उसको अगर हम break down करें तो यहाँ पे sodium जब NaCl form करेगा तब सबसे पहले तो उसको positive ion form करना पड़ेगा. देखे कैसे यहाँ पे reaction लिखा था, वैसे ही sodium वाला. सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी नियोन के बाद 3s1, इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये करवा दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पूरा, वो आपको याद रखना है. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब फॉर्म करेगा Na+1. अब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये निकल गया, सिर्फ बचा क्या है नियोन. नियोन टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कैसी होती है, स्टेबल होती है. आइए समझ में. ओके सो नाउ अगर हम बात करें दूसरे एलिमेंट क्लोरीन की, सो इन केस ऑफ क्लोरीन Cl2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नियोन 3s2 3p5, 17 एटॉमिक नंबर है उसका. तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो सिर्फ एक एटम हो तो. यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए. क्लोरीन हम ऐसे लिखे Cl एटम तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन क्लोरीन एक्चुअली इस फॉर्म में नहीं होता, नेचर में क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में होता है, तो उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए. दैट मींस यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा तो 2Na+1 फॉर्म हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रिलीज हो गए, 2 ही रिलीज हो गए. दैट मीन्स क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cl-1 फॉर्म करेगा, वो भी कितने, 2. तो ये हो गई रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और ये हो गई रिएक्शन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मतलब रिडक्शन रिएक्शन. लेकिन अगर इसको हम सम अप करें, दोनों को मिक्स करें, तो ये आपको इक्वल टू समझना, ये इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल टू की राइट हैंड साइड. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों साइड से पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव यहाँ पर भी पॉजिटिव. इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊँ तो नेगेटिव हो जाएगा, सो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा. अब लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो तो 2Na+Cl2 gives 2Na+1, 2Cl-1 दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से अगर जॉइंट हो गए तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड. तो ये हो गया रिएक्शन पूरा जो हमने ऊपर लिखा था वो. एक्चुअली ये पूरा रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन. और रेडॉक्स रिएक्शन किसका पार्ट होता है, किसका मिक्सचर होता है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड एक रिडक्शन रिएक्शन. रेडी, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के. लेट करो कि हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो. फॉर एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जांपल Mg+Cl2, तो ये आप वैलेंसी भी कर सकते हो, वैलेंसी मैग्नीशियम की होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, ये आप 9th में पढ़ चुके हो. तो फॉर्म होगा MgCl2. तो आप Mg का Mg+2 कर रहे हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब ऐसे ही कर लेना है डायरेक्टली, हर बार ये रिएक्शन नहीं लिखने. क्लोरीन का क्लोरीन -1 कर रहे हो, मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. सो यहां तक हमने 5 डेफिनेशंस अच्छी तरह से कंप्लीट की, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की. और वो जो डेफिनेशन थी उसमें एक स्टार्टिंग हम करें तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर बोले तो वो रिडक्शन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोले तो ऑक्सीडेशन होगा. जैसे हमने यहाँ पे लिखा था इनिशियली, वही ऑक्सीजन अगर एड हो तो ऑक्सीडेशन,
तो सिमिलरली ऑक्सीजन की जगह हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिडक्शन। तो वैसे हमने इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के बारे में, और बाद में हमने देखा कि हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, सॉरी इलेक्ट्रॉन का पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन एल हो तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन, और ये दोनों कंबाइन हो तो रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमें टर्म समझने हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, देखो अच्छी तरह से। सबसे पहले हम समझेंगे एक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2। ऑब्जर्व करो ये रिएक्शन आप 10th में देख चुके हो, एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट में आया था याद हो तो, शायद सभी को दिख रहा है ना अच्छी तरह से, इज क्लियर ओके। चलो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो जिंक पे, सभी डेफिनेशन याद रखनी है, कोई भी डेफिनेशन आपको अप्लाई करनी है, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन हम लास्ट में देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर वाली, टोटल 6 डेफिनेशन है। लास्ट डेफिनेशन जब देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, तो वो क्लियर कट विजन देगा, बाकी आगे वाली 5 डेफिनेशन में कोई भी डेफिनेशन वहां पे याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आपको चेक करना है कि कौन सा रिएक्शन क्या हो रहा है, तो आपको सिर्फ एक एलिमेंट को उसके सामने कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है उसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे जिंक अकेला था, ओनली वन एंड ओनली वन, यहाँ पे उसने क्या गेन किया, क्लोरीन। क्लोरीन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1, तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जिंक गेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट में आप एडिशन करवाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, दैट मीन्स वो क्या हो गया उसका ऑक्सीडेशन। ये मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक में ही समझा रहा हूँ। अभी आप ऑब्जर्व करो क्लोरीन, अगर आप याद हो तो HCl आप 10 स्टैंडर्ड में स्प्लिट करते थे, तो H plus NCl minus 1, सिमिलरली Zn plus 2 NCl minus 1 होता था, तो Cl का तो सेम ही है, minus 1 ही है अभी। हाइड्रोजन अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, क्लोरीन की कंपैरिजन में हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था पहले से ही, यहाँ पे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लूज कर रहा है, यहाँ पे अब हाइड्रोजन के पास क्लोरीन नहीं है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट रिमूव कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन जैसा, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। बट अच्छी तरह से समझना, अब आ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। Zn ने इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट गेन किया, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट गेन, ओके कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन। आई होप सभी को दिख रहा होगा, थोड़े से बड़े हैंडराइटिंग कर रहा हूं मैं, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिंक गेन कर रहा है, क्लोरीन, और वो क्लोरीन आया कहां से, HCl से। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का क्या हुआ, जिंक क्या कर रहा है, कौन सी प्रोसेस कर रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब क्लोरीन ऐड कर रहा है इसीलिए ऑक्सीडेशन। लेकिन उसका ऑक्सीडेशन करवाया किसने, HCl ने। तो जिंक के ऑक्सीडेशन होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, HCl है, दैट मींस HCl यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छी तरह से समझो, रिपीट कर रहे हैं हम फिर से एक बार, पहले रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं, किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिखो कि HCl का पूरा हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का हो रहा है तो भी चलेगा, हाइड्रोजन रिडक्शन शो कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लूज कर रहा है। लेकिन उसने लूज किया क्यों, क्योंकि जिंक वहां पे गेन कर रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिंक।
That means zinc is reducing agent. मतलब यहां पे आप ऑब्जर्व करो तो सिंपल सी बात है, जिंक अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है क्लोरीन गेन करके, खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है। जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा वो दूसरों का रिडक्शन करेगा। कैसे? क्योंकि उसको खुद का अगर ऑक्सीडेशन करना हो तो क्लोरीन उसे गेन करना होगा। जैसे वो क्लोरीन गेन करेगा, जिससे पास से गेन करेगा वो तो क्लोरीन लूज कर देगा। मतलब जिंक का अपना हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन। मतलब जो खुद का ऑक्सीडेशन करे वो दूसरों का क्या करेगा? रिडक्शन। दैट मींस अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर यहां का हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो गया? यहां पे HCl क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं उसको, मैंने इलेक्ट्रॉन गेन और लूज की लूज वाली मेथड से ज्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। या फिर ऐसे ही एक एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल आपके पास हो सोडियम प्लस Al2O3, अगर इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करोगे वैलेंसी से, तो सोडियम की वैलेंसी होती है एल्युमिनियम Na+1, एल्युमिनियम की होती है Al3, ऑक्सीजन की होती है O-2। तो आपको Na+1 O-2 को कंबाइन करना है, फॉर्म होगा Na2O। ओके, Al+3 फ्री फॉर्म में रिलीज होगा मेटालिक फॉर्म में। ऐसे रिएक्शंस विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरह से समझ चुके हो। सो नाउ यहां पे ऑब्जर्व करो, सोडियम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है। एडिशन ऑफ O2 मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। रेडी? तो सोडियम अपना कर रहा है ऑक्सीडेशन। अगर सोडियम अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरों का क्या करेगा? रिडक्शन कर रहा है। तो आपको यहां पे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेना है, फिक्स कर लेना है दिमाग में। अगर सोडियम अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वर्क करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में। वो खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरों का रिडक्शन, इतना याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के पास से रुपीज लेते हो, 500 रुपीज, तो आपने उस आपने गेन किए रुपीज, आपके पास रुपीज इंक्रीज हुए, सामने वाले के पास क्या हो गए? डिक्रीज हो गए, ऑपोजिट हो गया ना। मतलब अगर सोडियम अपना ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो सामने वाले का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। और सामने वाले का हम रिडक्शन कर रहे हैं तो हम हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए सोडियम अपना कर रहा है ऑक्सीडेशन तो वर्क करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में। और वो किसका रिडक्शन कर रहे हैं ऑब्जर्व करो, सोडियम ने ऑक्सीजन गेन किया, हवा में से गेन नहीं कर लिया, कर लिया Al2O3 के पास से गेन किया है। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन लूज कर रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन सॉरी एल्यूमिनियम है, मतलब ऑक्सीजन वहां पे क्या हो गया? लूज हो गया। तो एल्यूमिनियम का हो रहा है या फिर Al2O3 का हो रहा है रिडक्शन। क्लियर? सो हम यहाँ पे लिख लेंगे, एल्यूमिनियम का हो रहा है रिडक्शन, और खुद का अगर रिडक्शन हो तो वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा वो दूसरों का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। सो एजेंट का मतलब क्या होता है? जो वर्क करवा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले ऐसा वर्ड, अभी मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी आपको समझा देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्ड है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टिकट एजेंट क्या करता है? खुद टिकट नहीं लेता है, वो दूसरों को टिकट बेचता है, वो टिकट एजेंट हो गया। तो जैसे ही आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्ड सुनते हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टर्म्स अगर आप बात करो, रिलेट करते हो कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा हमने बोल दिया, दैट मींस वो सब्सटेंस दूसरों का क्या करवाएगा? ऑक्सीडाइज, और खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ऐसा कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और एल्यूमिनियम का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Al2O3 बोलो यहाँ पे पूरा तो भी चलेगा कि Al2O3 का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। और ऑक्सीजन किसको दे रहा है? सोडियम को। दैट मींस मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक आपको तीन चार पॉइंट लिखवा रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस और अनदर एलिमेंट
and reduce itself. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस का दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन करेंगे और खुद रिड्यूस हो जाएगा, मतलब खुद का रिडक्शन करेंगे. सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट विल डू. अब वो एजेंट है किस टाइप के एजेंट है, रिड्यूसिंग मतलब उसको दूसरों का क्या करवाना है, रिडक्शन. सो डू रिडक्शन ऑफ अदर एंड ऑक्सीडेशन ऑफ इट सेल्फ. ये हो गई लाइन्स. चलो यहां तक अच्छी तरह से नोट डाउन करो. फिर अच्छी तरह से नोट डाउन करो अभी हम समझते हैं इसे कुछ एग्जांपल से. Let's take an example. Ready? For better understanding of oxidizing agent and reducing agent. For example, magnesium. उसकी electronic configuration अगर हम सोचे तो neon 3s2 और वो ये 2 electrons lose करना चाहेगा. And अगर वो 2 electrons lose करेगा तो Mg plus 2 form होगा. जैसे ही वो Mg plus 2 फॉर्म कर रहा है, दैट मींस वो अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन. सोचो कि वो अपना अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन. कैसे रिडक्शन करवाएगा, उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो ये इलेक्ट्रॉन्स कोई तो गेन करेगा ही. अगर सामने कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाला ना हो तो कोई एलिमेंट कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता. आपने कभी देखा है कोई शादी में कोई रुपीज ऐसे उड़ा रहा है लेकिन सामने कोई कलेक्ट करने वाला नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना. कोई अगर वो बैंड पार्टी में रुपीज उड़ा रहा है तो सामने जो मेन पार्टी वाले होते हैं ऑलवेज रुपीस कलेक्ट करने के लिए होते ही है. दैट मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सामने कोई इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा. तो ये मैग्नीशियम तभी दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब सामने कोई दो इलेक्ट्रॉन गेन करने को तैयार. मतलब उसने अपना ऑक्सीडेशन किया तो सामने कोई रिडक्शन करेगा अपना. सो अगर क्लोरीन ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो Cl-1 में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहां पे इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, रिडक्शन. अब सोचो अच्छी तरह से, मैग्नीशियम क्या क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन और वो टू इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है इसीलिए ऑक्सीडेशन. ये टू इलेक्ट्रॉन्स किसने गेन किया, क्लोरीन ने. तो क्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन. अब ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे आपको आई होप समझ में आई गया होगा सभी को कि यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. कैसे, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन वही 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया रिडक्शन. अब ये क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके पीछे रिस्पांसिबल कौन है, मैग्नीशियम. तो क्लोरीन का रिडक्शन हुआ उसके पीछे रिस्पांसिबल कौन है, मैग्नीशियम, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी क्लोरीन ने गेन किया. सो मैग्नीशियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, वो दूसरों का रिडक्शन करवा रहा है. मैग्नीशियम इज रिड्यूसिंग एजेंट. सामने
मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, अपना ऑक्सीडेशन किया, उसके पीछे रिस्पांसिबल कौन है? क्लोरीन। अगर यहां पे क्लोरीन होता ही नहीं तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता, दैट मींस क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छी तरह से ये ऑब्जर्व करो, ये एग्जांपल लिखो आप और पूरा टॉपिक अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, और बाद में एक दो एग्जांपल हम फिर से लेते हैं। ओके, आई होप सभी ने लिख लिया होगा। रेडी, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए। चलो फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल है जो आपने बहुत बार देखा होगा, Fe2O3 plus CO
plus CO gives Fe plus CO2. ये आयन के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है ब्लास्ट फर्नेस में जो हम पढ़ेंगे 12th में ही। यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है, Fe क्या कर रहा है, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लूज किया, मतलब यहाँ पे Fe2O3 का पूरा अगर हम लिखे तो वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, लूजिंग ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर लूज करे दैट मीन्स उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो खुद क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से समझना है पूरा आपको, Fe2O3 का ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो वो खुद का रिडक्शन कर रहा है तो वो हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन गेन कर रहा है। सो इज द केस ऑफ ऑक्सीजन गेन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। So, is called, अगर खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो है रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट मेथड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मैंने बोला था आपको सिक्स डेफिनेशन है तो पांच तो हमने कंप्लीट कर लिए। लास्ट डेफिनेशन जो पूरे 11th 12th में आप यूज करोगे वो डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, इन सभी में किसी ना किसी तरह की लिमिटेशंस थी, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होगी। तो फाइनल डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए ये जो मैंने करवाया है वो अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व करो, लर्न करो, फेसबुक में अच्छी तरह से लिखो और रिवाइज करो। ओके, वेरी गुड। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट करेंगे और आई होप तब तक आप रिवाइज कर लेंगे। ओके, गुड बाय।